हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आओ सीखें कुछ नया। हमारा आज का टॉपिक है कोण यानी कि एंगल। आज मैं आपको कोण के बारे में डिटेल से बताऊंगा, कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन को करने के लिए इस डिटेल में आपको जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको कोण के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। कोण को बताने से पहले मैं आपको दो तीन चीज बताना चाहता हूं। ये हो गया हमारा एक पॉइंट। अगर कोई हमें इस तरह की लाइन दे रखी है जिसका एक कोण एंड पॉइंट हो और एक तरफ वो इंफिनिटी तक बढ़ सकती हो, तो इसे हम किरण कहते हैं। किरण यानी कि रेस, जिसका रे जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ को अनंत तक बढ़ाता ही जा सके, उसे हम किरण या रेस कहते हैं। दूसरी, जिसके जिस रेखाखंड के दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसको हम रेखाखंड कहते हैं। इसकी लंबाई फिक्स होती है, रेखाखंड या लाइन सेगमेंट कहते हैं, लाइन सेगमेंट। और जिसके दोनों तरफ इन्फिनिटी लंबाई तक हम बढ़ा सकें उसे हम रेखा या लाइन कहते हैं, रेखा या लाइन कहते हैं। अब बात आती है कोण की, कोण किसे कहते हैं। मान लीजिए आपका एक कॉमन पॉइंट है और एक कॉमन पॉइंट से दो रेज जाती हैं, एक इधर को चली गई दूसरी रेज इधर को चली गई। एक कॉमन पॉइंट यानी कि वेनिस पॉइंट से जब दो रेज निकलती हैं तो जो आकृति बनती है उसे हम कोण कहते हैं। ये दो रेस हो गई, ये कॉमन पॉइंट हो गया, इससे जो आकृति बनेगी उसे हम कोण कहेंगे। और कोण को प्रदर्शित करने के लिए डिग्री का साइन लगाते हैं। ये डिग्री का साइन है, मान लिया हमें 15 डिग्री का निशान लगाते हैं तो इसे हम डिग्री कहते हैं। और एक डिग्री में 60 मिनट होती है, 60 मिनट होती है, और मिनट को हम इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। और एक मिनट में हमारी 60 सेकंड होती हैं, और सेकंड को हम दो डैश के साइन से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको कहीं पर यह मिल गया तो इसका मतलब हमारा सेकंड है, और अगर एक लगा हुआ है तो इसका मतलब हमारा मिनट है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं कि इतने डिग्री इतने मिनट इतने सेकंड में से इतने डिग्री इतने मिनट इतने सेकंड घटाइए या जोड़िए। तो अगर आपको एक डैश का निशान मिलता है इसे मिनट कहते हैं, अगर दो डैश के निशान मिलते हैं इनको सेकंड कहते हैं। अब बात आती है कोण के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोण के प्रकार पहले नंबर पे आता है शून्य कोण यानी कि जीरो डिग्री का कोण को, यानी कि इसे जीरो एंगल भी कहते हैं। जीरो एंगल, जिस एंगल जीरो डिग्री के कोण को शून्य कोण कहेंगे, यानी कि जीरो एंगल शून्य कोण। और इसकी आकृति हमारी इस तरह होगी, आपकी एक रेस ये हो गई और दूसरी रेस भी इसी रेस के ऊपर होती है। इस तरह का अगर आपको कोण मिल जाता है तो इसी हमारा शून्य कोण होगा, शून्य कोण यानी कि जीरो एंगल। अब बात आती है दूसरे तरह के कोण की, दूसरे तरह के कोण को कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, जो कोण जीरो डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होते हैं, 90 डिग्री के बीच के कोण को
हम न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। द एंगल विच लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। और इसकी फिगर हमारी इस तरह की होगी। ये कितना भी हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, लेकिन 90 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा। इस तरह के कोण को हम एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण कहते हैं। नंबर 3 पे आता है हमारा समकोण। 3 पे आता है हमारा समकोण यानी कि राइट एंगल। कहीं भी आपको राइट एंगल लिखा हुआ मिल गया तो इसका मतलब वो हमारा समकोण है, यानी कि 90 डिग्री के कोण को, एक्यूरेट 90 डिग्री के कोण को समकोण कहेंगे। समकोण यानी कि राइट एंगल कहेंगे। और इसकी फिगर इस तरह की होगी यानी कि बिल्कुल सीधी। ये हमारा और इस तरह का निशान होगा। ये 90 डिग्री का कोण है। हमारा जो ब्लैक बोर्ड है ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी हमारा 90 डिग्री का कोण है। इस तरह का कोण आपको जो भी मिलेगा वो आपका 90 डिग्री का कोण होगा, उसे राइट एंगल कहेंगे। उसके बाद नंबर 4 आता है अधिक कोण। अधिक कोण यानी कि ओब्ट्यूस एंगल। ओब्ट्यूस एंगल जो एंगल हमारा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के जो कोण होते हैं, 90 को छोड़ दीजिए और 180 छोड़ दीजिए, इनके बीच में जो भी कोण आएगा वो आपका अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। और इसकी फिगर हमारी लगभग इस तरह की होगी। ये हमारा अधिक कोण होगा। उसके बाद हमारा नंबर 5 पे आता है अधिक कोण के बाद नंबर 5 पे हमारा आता है सरल कोण। सरल कोण यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल किसे कहेंगे? 180 डिग्री के कोण को, जो एक्यूरेट 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या हम स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं। इस एंगल की फिगर हमारी इस तरह होगी। एक रेज हमारी इधर को जाएगी और दूसरी रेज जस्ट उसके अपोजिट जाएगी। ये हमारा दोनों रेज का एंड पॉइंट है। इस तरह के एंगल को हम सरल कोण या स्ट्रेट एंगल कहेंगे। उसके बाद नंबर 6 पे आएगा हमारा वृहत कोण। जो कोण 180 से 360 डिग्री के बीच होते हैं उन्हें हम वृहत कोण कहते हैं। 180 से 360 डिग्री के बीच के कोण को हम वृत्त कोण कहेंगे। ये हमारा इस तरह का होगा। एक हमारी इस तरह होगी और एक इस तरह होगी। ये हमारा वृत्त कोण कहलाएगा। अब नंबर 7 पे आते हैं हम, वो होता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब बिल्कुल सारा का। संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री के कोण को, 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण यानी कि संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट कंप्लीट एंगल कहेंगे। ये एंगल हमारा ऐसा होगा। ये और दूसरी रेज भी इसके ऊपर होगी। 0 डिग्री से इसमें क्या फर्क होगा? इसमें हमें इस तरह दिखाया हुआ होगा कि यानी कि यहां से हम चले थे और यहां पर
पहुंच गए। इस तरह के एंगल को हम संपूर्ण कोण कहेंगे। ये एंगल्स के हमारे प्रकार हुए। दो एंगल्स के और प्रकार होते हैं जो ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम्स में आ जाते हैं, वे होते हैं हमारे, एक बार बहुत सी जगह आ जाता है, कोटी पूरक कोण, कोटी पूरक कोण, कहीं कहीं क्वेश्चन लिखा आ जाता है कोटी पूरक, कोटी पूरक कोण किसे कहते हैं, यानी कि कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री एंगल, या तो कंप्लीमेंट्री एंगल लिखा जाता है और या लिखा जाता है कोटि पूरक कोण। जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण एक दूसरे के कोटि पूरक यानी कि कंप्लीमेंट्री कहलाते हैं। मान लिया हमारे पास एक एंगल तो 30 डिग्री का हो गया, तो इसका कोटि पूरक कौन सा होगा, इसका कोटि पूरक होगा हमारा 60 डिग्री। मान लिया एक हमारे पास 15 डिग्री का कोण हो गया, इसका कोटि पूरक हो जाता है हमारा 75 डिग्री। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि 40 डिग्री के कोण का कोटि पूरक कोण क्या होगा, कोण का कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो आप क्या काम करेंगे, 90 में से 40 डिग्री घटा देंगे तो उसका कोटि पूरक कोण आपका आ जाएगा। कोटि पूरक कोण, जब दो कोणों का आपके पास दो कोण दिए हैं और उनका टोटल 90 डिग्री हो तो वे आपके कोटि पूरक कोण यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। द एंगल्स हूज सम इज ऑफ 90 डिग्री इज नोन एज कंप्लीमेंट्री एंगल। अब इसके बाद आता है कोटि पूरक के बाद संपूरक कोण, संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री कोण, यह भी कोटि पूरक की तरह ही है। दो एंगल, जब दो एंगल का सम, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तब वे आपस में संपूरक कोण कहलाएंगे यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। जैसे हमारे पास एक एंगल दे रखा है 110 डिग्री, तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, 70 डिग्री। अगर हमारे पास एक एंगल 130 डिग्री दे रखा है तो उसका संपूरक कोण क्या हो गया, 50 डिग्री। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि 100 डिग्री के कोण का संपूरक कोण बताइए, आप क्या काम करेंगे, एक 180 में से 100 डिग्री को घटा देंगे तो आपको इसका संपूरक कोण आ जाएगा। दोस्तों ये कोणों की टोटल डिटेल हुई। कोणों के आधार पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड आइकन्स दिया हुआ है सब्सक्राइब का, उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।